स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि रेवोल्यूशन का रिजल्ट कल अपलोड हो गया था, बट इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ गया है स्टूडेंट का कि वो वेबसाइट ही काम नहीं करी जिसके थ्रू अपन रिजल्ट देखते हैं। तो अब क्या सॉल्यूशन है, कैसे अपना रिजल्ट देखा जाए, लिंक ओपन हो नहीं रहा है और रिवोल्यूशन का रिजल्ट हमें देखना है कि हम पास हुए नहीं हुए, कितना नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है डिक्रीमेंट हुआ है, तो वो हमें चेक करना है। बट RTU इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं है यूनिवर्सिटी कि वो अपनी टेक्निकल इश्यूज़ भी सोल्व कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हम नॉर्मली वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और रिजल्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जो एग्जामिनेशन सेल के पोर्शन के अंदर है, बट इसके आगे ये वेबसाइट बढ़ ही नहीं रही है। RTU.ac.in इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, कितना ही ट्राई कर लो आप। ये जो टेक्निकल ग्लीचेस जो जनरेट हुए हैं RTU की वेबसाइट में, ये क्या हुआ है कि ज़्यादा स्टूडेंट का ट्रैफिक आया। ज़्यादा स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर रिवोल्यूशन के फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए थे बच्चों के, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनके नंबर बढ़ जाएंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम किया अपनी कॉपी के अंदर। बट यहाँ पर रिजल्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। RU रेस्पॉन्सिबल नहीं है इतना, पता नहीं क्यों वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है। बस आप दूसरे तरीके से भी घुसोगे ना, जैसे कि esuvidha.info नाम की वेबसाइट है उसके थ्रू भी जाओगे तो भी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अपन क्या करें अब आखिर, कुछ भी नहीं कर सकते। देखो अपन को टाइम लगेगा इस चीज़ को सही होने में, अपन वेट करेंगे केवल। अब कल रात को जब रिजल्ट आया था तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट खुल गई थी, वहाँ पर अपने नाम फिल करते अपन अपना रिजल्ट देख पा रहे थे, लेकिन आज ज़्यादा ट्रैफिक के कारण ये वेबसाइट क्रैक हो गई एक तरह से बोल सकते हो आप। लिंक्स ओपन नहीं हो रहे हैं और अपन रिजल्ट नहीं देख पा रहे। तो 1 से लेके 8 पॉइंट तक देखो तो रिवोल्यूशन के रिजल्ट आए, सबके आए लगभग सेकेंड सेम के आए रिजल्ट। तो अब एक और बात कर लेते हैं आतवाद की, 5th और 7th सेम का रिजल्ट कब आ रहा है। रिवोल्यूशन का रिजल्ट आ गया है, अब कितना टाइम और लगेगा समझ ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक मेरा पता है, मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये जून के लास्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। और एक बात और क्यों, प्रमोट RTU बैग को प्रमोट करते रहो, बैग स्टूडेंट को प्रमोट करते रहो RTU बैग को। अपन को वो हैशटैग भूलना नहीं है गाइज, उसको कंटिन्यू रखना है। एक और हैशटैग है कि नो ऑफलाइन एग्जाम गेलो जी, तो ये हैशटैग भी है, इन दोनों हैशटैग को चलाओ ताकि आगे तक बात पहुँचे। यार अपन कुछ करेंगे, आगे से इनिशिएटिव लेंगे तभी तो वो कुछ डिसीजन ले पाएंगे ना। तो उनको बताना पड़ेगा कि बैग वालों को और बैग नहीं चाहिए भाई, इनको क्लियर कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सब हमें करवाना है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके बताना। फिलहाल अपन को वेट ही करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, सो देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही वेबसाइट नॉर्मल होगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा वीडियो बना के या कैसे भी करके, तो उसके लिए तैयार है। और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।